सुन के बहुत ज़्यादा हैरत होगी, जब भी दुनिया और पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर का नाम लिया जाता है तो मेरे आपके जहन में शुएब अख्तर का नाम आता है, और दूसरे नंबर पर ब्रैडली और तीसरे पे शेन बॉन्ड का नाम आता है। लेकिन एक बॉलर ऐसा है जो शुएब अख्तर से भी ज़्यादा तेज़ थे, बहुत तेज़ बॉल कराते थे, बैट्समैन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। चंद महीनों के अंदर ही उन्होंने ये खिताब हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ होता है कि वो पाबंदी का शिकार हो जाते हैं, इसी तरह से ये भी पाबंदी का शिकार हो गए थे। इनफैक्ट कुछ शुएब अख्तर ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं मतलब यार ये बंदा आ जाता ना तो मेरा तो कहीं नाम एग्जिस्ट करना ही नहीं था। और वाकई में शुएब अख्तर ने उसको बहुत ज़्यादा इमर्ज किया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया इस चीज़ को कि इस बॉलर के साथ नाइंसाफी हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद जाहिद की। मोहम्मद जाहिद 1996 या 97 में उन्होंने डेब्यू किया था, और उन्होंने आई थिंक पता नहीं कौन सी टीम थी जिसके खिलाफ 10 विकटें ले ली थी, और पर इनिंग्स के हिसाब से उन्होंने काफ़ी विकटें ली थी। तो वो बहुत डेडली फास्ट बॉलर के तौर पे सामने आए थे, और शुएब अख्तर से भी अच्छा उनका डेब्यू था, और बहुत ज़बरदस्त उनका पेस था, उनका सब था। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ICC उस वक्त ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी या इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो लेकिन पता नहीं कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जिसने उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि वो हाथ झर है, उनका पूरा हाथ नहीं आता, ये नहीं आता। यार ये बस जो बॉलर विकटें लेना शुरू कर देना पाकिस्तान की तरफ से, बस उसका हाथ पूरा नहीं हो जाता है, वो 30 और 16 डिग्री एंगल पर नहीं आता है। ये एक पुराने मसले हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ, हमारे अथॉरिटीज़ के, क्रिकेट की अथॉरिटी, उनको पता नहीं क्या जलन है कि हमारे जब भी कोई अच्छा बॉलर आ जाता है तो उसको पाबंदी करता है। मोहम्मद जाहिद जो हैं वो एक बहुत, आज अगर वो उनका एक बहुत बड़ा नाम होता, लेकिन हमारी नज़र में तो भाई अभी भी उनका बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई जैसे दूसरे बॉलर्स के साथ हुई है। तो शुएब अख्तर भी इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद जाहिद जो है वो वाकई में अगर उस बंदे को चांस मिलता तो वो उनकी टक्कर पे होते या उनसे आगे निकले हुए होते।